न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों भाई मनिक जागलान की राम राम। फिलहाल आप मैयर टोल प्लाजा के ऊपर पहुंच रहे हैं, आज उरा पंचायत हुई है उसके बारे में भी पूछेंगे। मेरे साथ इस चरण तो हिसार में तो सारे जाना, हरियाणा में भी पहचान बहुत तगड़ी होगी, तो नंबरदार जी राम राम। राम राम जी। और ठीक ठाक सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आगे की आगामी रणनीति क्या चल रही है? 26 जनवरी में जो प्रोग्राम होया था, जिस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए थे, 15 अगस्त भी आ गया है, उसके ऊपर के तो आपकी प्रक्रिया रहोगी, किस तरह आपका काम चलेगा और कितनी मुस्तैदी के साथ आपकी बार कार्य हो गए? देखो जी, हमारे बुजुर्ग कहा करते बिला पट पट सुवार होया करें, और पिट पिट के एक्सपीरियंस होता है, एक हार के अंदर भी जीत का फार्मूला छिपा हुआ होता है। 26 जनवरी को सरकार ने परी प्लान, अंदर खाते प्लान बना करके किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अपने गुर्गियों को भेज करके और लाल किले के ऊपर कांड करवा था। मैं जो झंडा फहरा गया था विशेष कोए, उसको झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू वगैरह का अमित शाह और मोदी के साथ बार बार फोटो था, वो हमारे संयुक्त मोर्चे ने निकाल के दिया। आज हम सचेत हैं और सरकार की गलत कारगुजारी, जो टूची हरकतें हैं किसान आंदोलन को फैल करने के लिए और किसानों के साथ विश्वासघात करने के लिए और किसान आंदोलनकारियों की छवि खराब करने के लिए, ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इन लोगों ने जो कभी तिरंगे का समर्थन तक नहीं किया, जो नागपुर के अंदर बीजेपी का हेड ऑफिस है उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी भगवा झंडा है, तिरंगा झंडा ये लगाते ही नहीं, ये लोग, ये पता है भाई, 8 महीने से न्यूकाग्रह भाई साहब छेड़े सरप लड़े, 8 महीने से देश का किसान और मजदूर सड़कों के ऊपर है, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सारे के सारे तनावग्रस्त कर रखे इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने, प्रशासन ने, सरकार के इशारे पर। ये सोचते हैं तिरंगे का ये विरोध करेंगे तुम्हारी यात्रा का, और तिरंगा दिखा करके इन लोगों को बदनाम कर देंगे, आंदोलन को फैल कर देंगे। अंदर खाते रोजाना हमारे आंदोलन को फैल करने के लिए बीजेपी वाले प्लान बनाते हैं, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चा की प्लान सार्वजनिक होती है। हमने संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया भाई तिरंगे के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाना, लेकिन सचेत रहना है। हम 15 अगस्त को जिला हिसार की बात है ये साथी, मुख्य रूप से 15 अगस्त को संयुक्त मोर्चा जिला हिसार के किसान और मजदूर चारों तरफ से हिसार के अंदर तिरंगा झंडा लेकर के शांति से, अनुशासन से, एकता से, एकजुटता से, कंधे से कंधा मिला करके पूरी शालीनता से हम हिसार शहर के अंदर तिरंगा यात्रा निकालते हुए ट्रैक्टरों के ऊपर, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हिसार जिला का किसान मनाएगा, और एक वो एक मिसाल होगी। रविदास छात्रावास सरसा रोड बाईपास दिल्ली हिसार के बाईपास पर चारों टोलों के और तमाम जिला हिसार के किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के ऊपर देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लगा करके और बड़े हौसले के साथ हम इकट्ठे होकर के जो रोड मैप हमारे को मिलेगा शहर के अंदर से, बगैर किसी अवरोधक के, बगैर शांति भंग किए, बगैर अनुशासन भंग किए, हम एक कतार में, एक लाइन में चलेंगे, और हिसार की सेक्रेटरिएट के ऊपर, उसको हम प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु मानते हैं, वहाँ पर तिरंगे का 15 अगस्त का मान सम्मान करते हुए हम 15 अगस्त 2021 को एक मिसाल के तौर पर मनाने का काम करेंगे। कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे नंबरदार जी उस दिन? मेरी ख्याल से तो भाई साहब ये तो घने दिन हो गया हमने ट्रैक्टर वाला काम करें, और बड़ा हौसला है, अच्छी बरसात भी होगी, जीरी में पानी की ज़रूरत नहीं, हम हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे, कम से कम हज़ारों की संख्या में। दो शब्द सोनाली फोगाट के भी सुने होंगे। हाँ। सोनाली फोगाट यहाँ पे जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर आई थी, उस दिन मैं मौके पे यहाँ था, आपने उसका विरोध नहीं किया था, उसका वो जिस टाइम पे गेट पर आई थी आपने अपनी पीठ मोड़ ली थी, लेकिन आज वो किसानों के ऊपर इतने गलत शब्द बोल रही है। वो चाहे सोनाली फोगाट हो, चाहे छूट भैया नेता बीजेपी के हों, कदे वो मनीष ग्रोवर आ गया चरित्रहीन गंदा आदमी, कदे वो विनोद भ्याणा आ गया, कदे रणबीर गंगुआ आ गया, इन लोगों को परी प्लान भेजते हैं किसानों के बीच में भाई, इनके साथ गुस्सा में किसान, ये इनको उल्टे बुलवाओ किसानों के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ किसान विरोध करेंगे, इनके ऊपर हाथ उठा देंगे और हम आंदोलन को फैल कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी यो जो आदमी है नहीं छोटे मोटे, मैं तो ये मानता हूँ हम उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे, जिसके पास ना चरित्र है,
ना किसी के जिसके पास एजेंडा है, ना जिसके पास अपना वर्चस्व है, ना अपने खानदान की आन बान शान, ना देश की बात जानते, हम उनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। और लोहारू में आपने तिरंगा यात्रा देखी होगी, बीजेपी ने निकाली है, अगर कोई नेता आपके लोकल यहाँ सीहोर हिसार का तिरंगा यात्रा निकालता तो उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? उसका हम देखो सार्वजनिक तो कोई किसी प्रकार का अवरोधक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी वाले आगे तिरंगा उड़ा के और यहाँ अपनी यात्रा निकाले हैं, और इनकी प्लान बनती है भाई किसान आंदोलन को किस प्रकार बदनाम और फैल किया जाए। लेकिन लेकिन गांव के अंदर कहीं पर आएंगे हम उस यात्रा का विरोध जरूर करेंगे, टाल नहीं करेंगे। जो तिरंगा यात्रा की कुछ ऑडियो वायरल हुई है कल, किसानों को किस तरह मतलब ₹2,000 दे करके इकट्ठे करके ले जाए गए थे, उसके बारे में आपने सुना है क्या? कल सुना नहीं हमने, दिल से पता है इनके साथ कोई भी कोनी, बिल्कुल खोखरी ईंट है ये।